एवरीवन, हाउ आर यू? होप ऑल आर यू गाइस डूइंग वेरी वेल। तो आज फिर से लौट गए लेके फिर से कुछ नया, नहीं नहीं ये दूसरा टाइप का हो गया। तो आज फिर से गाइस आए हैं लेके नया एक ड्रैग रेस। एंड ये ऑटो वाले बहुत ज्यादा साउंड करते हैं, तो चलो फिर से बोल देता हूँ, आज लेके आए फिर से एक नया ड्रैग रेस। एंड आज होने वाली है दोनों 125 cc, बहुत ही चलने वाली गाड़ी, चलने मतलब बहुत ही लोगों की फेवरेट गाड़ी ग्लैमर एंड द NS125। पता ही है किसका गाड़ी है। सो उसका चैनल पे जरूर से जाओ, चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन है, जाके फॉलो करो चैनल में एंड सब्सक्राइब करो चैनल को, फॉलो मतलब सब्सक्राइब ही करो। चलो ज्यादा बाइक के बारे में नहीं बोलते, ग्लैमर का वैसे भी मुझे पता नहीं, थोड़ा सा गूगल कर लेना सब छोटा मोटा चीज कि कितनी BHP है, कितनी पावर, वो सब बोल के कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो सब पेपर ऑन पेपर अच्छा लगता है, लेकिन जब गाड़ी डे टू डे आप यूज करते हो तभी उसकी ओरिजिनल पावर, ओरिजिनल पोटेंशियल पता चलती है। तो चलो उस चीज में नहीं जाते, डायरेक्ट शुरू करते हैं। एक चीज का थोड़ा सा ध्यान अट्रैक्शन चला गया दूसरे तरफ, चलो फिर से शुरू करते हैं। तो चलो ज्यादा वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते, ज्यादा बातें नहीं करते, वैसे भी शाम हो चुका है एंड डायरेक्ट मिलते हैं मोटर ब्लॉगिंग सेटअप पे, चलो स्टे ट्यून्ड। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो चलो आगे हैं डायरेक्ट मोटर ब्लॉगिंग सेटअप पे एंड शुरू करते हैं। लोड़ी अभी थोड़ा टॉस कर रही, चलो शुरू करते हैं। पता नहीं आप लोगों को दिखा कि नहीं, ये गाड़ी लिटरली व्हीली करने लगी थी, ये गाड़ी शिफ्टिंग हुई व्हीली के साथ, मतलब थोड़ा से व्हीली हो गया गाड़ी की, मेरी स्प्रे थोड़ी पीछे रह गया, लेकिन फिर भी इसमें बहुत ज़्यादा पावर है इसके मुकाबले। एंड नेक्स्ट टाइम मतलब उधर जाके वीडियो करते हैं, देखते हैं तो वीडियो में। तो चलो राइडर स्विच करते हैं एंड अच्छा उस गाड़ी की हालत देखो, वो गिरने वाली, पहले उसको पकड़ लेते हैं। चलो छोड़ दो, देखते हैं ऐसे 3 की गाड़ी है एंड मैं बहुत ज़्यादा यूज वाली गाड़ी है ये, शेर के पास शेर आ गया, शेर के पास शेर आ गया भाई साहब, शेर से गाड़ी नहीं रेस नहीं जीती जाती, रेस जीतती है पावर, पावर नहीं राइडर से। तो क्या हुआ भी ठीक नहीं था, तो देने को ये ना सीरियसली देखते हैं अगर कोई अच्छी गाड़ी मिलती है कभी, तब तक के लिए अभी इसी से ही काम चला लेते हैं। कुछ काम लेने में मुझे डर लगा, कैसा लगा? कैसा लगा? लगा तो बहुत ही अच्छा, डॉस्टन और बीच में डॉस्टन कर रहे हैं, कुछ बोलना मत क्योंकि जगह वैसे भी कम है। सो फाइनली देख सकते हो ये बाइक जीत गई, ये क्लियर कट विनर है, बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस में इसको बीत गया, इसकी हालत थोड़ी सी ख़राब है बाइक की, वैसे भी अगर भी ठीक रहती तो मुझे नहीं लगता कि इसको बीट कर पाती, क्योंकि ये 125 cc में एक अपने में ही अपनी एक लेजेंड बाइक है, जानती हो इसको। चलो और क्या ज़्यादा बोलना, बहुत गर्मी लग रही थी इसलिए मैं वाइज़र खोल लिया मैंने,
तो अभी शाम हो रहा है, चलो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, यहाँ पर एंड कर देते हैं। अभी भी एक और रेस बाकी है, वो नेक्स्ट वीडियो में देख लेना। टिल देन स्टे सेफ स्टे हार्ड, एंड फिर से बोल रहा हूँ, इस रेस से हम लोग कोई भी गाड़ी को छोटा करना या इसको इंसल्ट करना हम लोगों का एम नहीं था। तो इस गाड़ी की सिर्फ पोटेंशियल चेक करने के लिए इन दोनों की मैंने ये रेस किया, एंड आप लोग बिल्कुल भी मत ट्राई करना। हम लोग मोर देन 7 ईयर एक्सपीरियंस है, तो इसको इसीलिए हम लोग यहाँ पर करते हैं। एंड चलो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, बाय बाय, राइट सेफ राइट हार्ड, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय।